देश में जिनसे नफरत, विदेश में उनसे प्यार, गजब है भाजपाइयों का व्यवहार। अभी मजा आएगा ना। देखा दोस्तों, सिलेंडर वाली चाची को पहुंचना था अयोध्या और पहुंच गई मदीना। काश भारत के मुसलमानों से भी इतनी मोहब्बत करती, पर अफसोस कि ये लोग अपने ही मुल्क में परेशान हैं। गुनाह सिर्फ इतना कि ये मुसलमान हैं। और दोस्तों, लगता है कि सिलेंडर वाली चाची ये देखने गई होंगी कि वाड्रा या फिर राहुल गांधी कहीं नमाज पढ़ने तो नहीं आए हैं यहाँ। सही पकड़े हैं, क्योंकि कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी जी को अमेठी में मैंने नमाज पढ़ते देखा था। कहने वाली यह सिलेंडर वाली चाची आज खुद क्या कर रही हैं? इन्होंने तो रंग बदलने में गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया, अब अंधभक्तों का क्या होगा। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम को मक्का मदीना में घुसने की इजाजत नहीं है, फिर यह कैसे हो गया? लगता है नियम बदल गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैडम ईरानी जावे अयोध्या, रास्ते में ना आया ढाबा, नाम ईरानी क्यों धरे हैं, दिख गया जब पहुंची ये काबा। मंदिर मंदिर करते करते भूल गई ये रास्ता, मदीना वाली ईरानी ये अब करती है सजदा। और यह भी हो सकता है ये इस्लाम कबूल करने वाली हो, इसलिए इस्लाम का नियम कानून समझने गई हो और नमाज की ट्रेनिंग वाली वीडियो और फोटो कैमरामैन से डिलीट करवा दिया हो। यही है इन लोगों का धंधा, क्योंकि इसी से चलता है इनका रोजी रोटी, नहीं किसी चौराहे पर बेचती गजरा और चोटी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मुख्यमंत्री हैं भाई साहब, आपके चरण तो कमल के समान है, कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं। और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सिंह। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो सुना दोस्तों, फिर से छलका शिवराज मामा का दर्द। वो बोले पद से हटते ही होर्डिंग से फोटो भी गायब हो जाती है जैसे गधे के सिर से सींग। और मामा जी अपनी तुलना खुद गधे से कर रहे हैं। साहब ने इसीलिए इनको पद से हटा दिया, क्योंकि बीजेपी है संस्कारी पार्टी, तो इसमें गधों का क्या काम जो करे सरकार को बदनाम। वैसे देर से सही, पर इन्हें समझ तो आया कि इज्जत आदमी की नहीं कुर्सी की होती है, और गधे के सिर पर सींग भी नहीं होती है। और मामा जी तो बोल रहे हैं ऐसे कि मुख्यमंत्री जब थे तब सही में सींग थी इनको जैसे, उसके बाद मोदी जी ने इनको भूल गए ऐसे, लोग जैसे उधार लेकर भूल जाते हैं पैसे। ये भगवान क्या जुलुम है। यही है मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, जिस पर नहीं है कोई रोक। और कुछ लोग मजाक मजाक में यह भी कह रहे हैं, बीजेपी ने बनवा दिया है राम मंदिर, मामा जी आप अयोध्या आइए, राम राम कहिए और घंटा बजाइए। कंट्रोल कंट्रोल उदय, क्योंकि यही है साहब जी का रोजगार, नहीं कैसे चलेगा राजनीति का व्यापार, नहीं कैसे चलेगी रोजी रोटी, और कैसे पहनेंगे साहब जी लाखों का सूट, और विदेश घूमना भी साहब जी का जाएगा छूट। फिर बेचना पड़ेगा चाय के साथ आमलेट और अंडा, बचेगा सिर्फ यही एक धंधा।